प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको बिहारी के दोहों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी किस काल के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीतिकाल के साहित्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध कवि तो वो कवि थे जिन्होंने रीतियों की परिपाटी को ध्यान में रख करके अपने काव्य का सृजन किया। रीतिमुक्त कवि वो कवि थे जिन्होंने रीति की परिपाटी को अपने काव्य में, और रीति सिद्ध वो कवि थे जिन्होंने इन रीतियों को अपने काव्य में अपनाया भी और नहीं भी अपनाया। तो इसी परंपरा में महाकवि बिहारी का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो बिहारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाकवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, और ग्वालियर में होने के बाद उनका बाल्यकाल मथुरा में व्यतीत हुआ था, और मथुरा में ही उनकी ससुराल थी, और मथुरा में ही ये अपनी काव्य की रचना किया करते थे। कहते हैं कि जयपुर और जोधपुर के राजाओं से इनको राज्यास्त्र प्राप्त हुआ था, और उससे पहले वे शाहजहाँ के दरबार में थे और शाहजहाँ की कृपा पात्र भी ये रहे। तो बिहारी कहते हैं कि एक बार जयपुर का राजा जयसिंह अपनी नवोदा रानी के प्रेमी इतना पड़ गया था कि उसने राजपाट को ही भुला दिया। तो सभी को चिंता होने लगी। तो जब इस कार्य का पता बिहारी को पड़ा तो बिहारी ने राजा जयसिंह को एक दोहा लिखा था, और उस दोहे के माध्यम से यानी राजा जयसिंह का हृदय परिवर्तित हो गया था, और हृदय परिवर्तित होने के बाद राजा जयसिंह ने अपना पूरा समय राजपाट में लगा दिया था। तो राजा जयसिंह को बिहारी ने कौन सा दोहा प्रस्तुत किया, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधु मधुप विकास इनकाल, अली कली ही सो बंधु आगे को नवाल। तो इस दोहे का अर्थ ये था कि यह राजकुमारी जो मारवाड़ की राजकुमारी थी, नहीं पराग इसमें अभी मिठास भी नहीं है, नहीं मधु विकास इनकार अभी ये छोटी कलिका है, अभी इसका कोई विकास हुआ भी नहीं है, ये जगह बड़ी भी नहीं है। अली कली ही सो बंधु आगे को नवाल, जिस प्रकार से भंवरा छोटी कलियों पर मंडार कर रहता है, तो उसी प्रकार से आप भी भंवरे के समान इस पर आच्छादित हो गए, और जब ये कली बनेगी इसमें पुष्प आएंगे तो राजा जयसिंह तुम्हारी स्थिति को न जाने कैसी होगी। तो इस दोहे का कहते हैं कि बिहारी के इस दोहे का राजा जयसिंह पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा था कि इन्होंने अपने नवोदा रानी के जो प्रेमी लगे थे वो भूल गए, और अपना पूरा का पूरा जीवन था वो जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। और कहते हैं कि इस दोहे के कारण ही यानी राजा जयसिंह ने बिहारी को एक गांव दान दिया था, और वो गांव था काली पहाड़ी। तो इस प्रकार से बिहारी ने यानी अपने जीवन काल में एक ही रचना लिखी थी, बिहारी सतसई। अब बिहारी सतसई के बारे में यानी लोग कहते हैं कि बिहारी ने अपने काव्य में गागरनी सागर बना है, अर्थात बिहारी के दोहों में छोटी छोटी बातें मिलती हैं और उनका वर्णन एक बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है, यानी गागरनी सागर प्रस्तुत करना। जिस प्रकार से इसका शाब्दिक कर देखें तो समुद्र के पानी को घड़े में कैसे भरा जा सकता है, तो इसी प्रकार से गागर में सागर
यानी इन्होंने एक दोहा देकर के उसका बहुत ही अच्छी तरह से खुलासा किया है, यानी एक छोटा सा दोहा प्रस्तुत करके इसको बढ़ा चढ़ा करके पूर्ण मात्रा में प्रस्तुत किया है और इनके दोहों के अनेक प्रकार के अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। और कहते हैं कि बिहारी के काव्य में भक्ति है, नीति है और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, तो महाकवि बिहारी के काव्य में भक्ति का योगदान तो है ही है, यानी उनकी सच्चे में भक्ति से संबंधित भी दोहे हैं और उन दोहों में बिहारी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से आराधना करते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो इस प्रकार के दोहे जो बिहारी सत्संग में हैं, ये दोहे भक्ति से संबंधित हैं और कुछ दोहे यानी बिहारी की नीति से संबंधित हैं। तो नीति के संबंध में उनके वो ही दोहे हैं जो हमारे समाज में प्रसिद्ध थे। जैसे उनका एक दोहा था, जब शिवाजी महाराज यानी मुगलों के बहकाव में आकर के हिंदू राजाओं का वध कर रहे थे, तो उनको लेकर के भी महाकवि बिहारी ने शिवाजी महाराज को फटकार लगाई थी। तो इसे संबंधित उन्होंने ये दोहा प्रस्तुत किया था, स्वर्ग सुकृति में श्रम था देख विहंग बिचारी बाज पराये पानी पी तो पंचिन्ह मार। तो इस प्रकार से यानी नीति से संबंधित दोहे भी लिखे थे और उन्होंने लोक जीवन में जैसे कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, इससे संबंधित दोहे रचकर के भी जनता को नीति से संबंधित दोहे प्रदान किए थे। और बिहारी के दोहों को देखा जाए तो बिहारी ने तीसरी श्रेणी के जो दोहे थे वो श्रृंगार, यानी बिहारी के काव्य का मुख्य उद्देश्य भी अगर अपन माने तो उनके काव्य में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, यानी संयोग श्रृंगार की तो एक नदी सी बहती है, यानी बिहारी ने ऐसे ऐसे दोहे लिखे हैं जो अपने आप में बहुत ही अच्छे दोहे हैं और इनकी कई जगह प्रशंसा भी हुई है कि महाकवि बिहारी ने इस प्रकार से सुंदर दोहे लिखे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तभी तो कहते हैं ना, बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरा है। अब इसी के तहत मैं आपको आज के इस वीडियो में बिहारी के दोहे जो भक्ति से, नीति से और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं उसके बारे में मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से आपको दोहों का सरलार्थ बताऊंगा कि बिहारी ने इसमें कौन कौन से दोहे लिखे हैं। तो मेरा सबसे पहला दोहा बिहारी ने जो प्रस्तुत किया है वो पहला दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की जाई परे श्याम हरित दुति होई। तो ये दोहा महाकवि बिहारी का भक्ति से संबंधित दोहा है। बिहारी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से विनय अनुनय प्रार्थना करते हैं कि हे संसार को तारने वाले भगवान श्री कृष्ण, मेरी भव बाधा हरो, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए। राधा नागरी सोई, राधा के साथ रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए। जातन की झाई परे श्याम हरित दूति हो, जिसके शरीर की आभा पड़ने से ही श्याम रंग की जो रंग है वो भी यानी उसमें भी चमक आ जाती है, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो इस दोहे में बिहारी ने भक्ति से संबंधित दोहा रच करके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से अपना उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से बिहारी सच्चाई का ये पहला दोहा आपकी पाठ्य पुस्तक में है। और इस दोहे के बाद में मैं आपको बिहारी सच्चाई जो आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा दोहा है उसके बारे में बताऊंगा
निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजो मनो तारक तारण बिरदु बारक बारनु तारी। ये दोहा भी महाकवि बिहारी का भक्ति से संबंधित दोहा है और इस दोहे में बिहारी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि निकी दई अनाकनी, हे भगवान श्री कृष्ण आपने बहुत ही आनाकानी की है, फीकी परी गुहारी मैंने आपसे बहुत गुहार लगाई, बहुत आनंद किया, प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण आप मेरा उद्धार कर दो, लेकिन आपने मेरी एक भी बात को सुना नहीं, अर्थात सभी बातों को अनसुना कर दिया। तजो मनो तारण बिरदु बारक बारु तारी, मानो आपने अपने भक्तों का उद्धार करने का जो विरद धारण कर रखा था उसे आपने छोड़ दिया। आपने तो बस एक बार यानी गज का हाथी का ही उद्धार किया था, इसके बाद में आपने उद्धार करने वाली प्रकृति को तो भुला दिया, यानी आपने एक बार ही हाथी का उद्धार किया था, उसके बाद में आपने किसी का भी उद्धार नहीं किया। तो ये दोहा भी बिहारी का भक्ति से संबंधित दोहा है और इसमें भी बिहारी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि आपने एक बार गजेंद्र का ही उद्धार किया है और उसके बाद में आपने उद्धार करना भुला दिया, तो अब आपका मेरे से पाला पड़ा है, तो आप मेरा भगवान श्री कृष्ण उद्धार कर दो। तो इस प्रकार से ये दूसरा दोहा है। अब मैं आपको इस पाठ्य पुस्तक का तीसरा दोहा बताना चाहूँगा, जोग जुगती सिखिए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता कानून सेवत नैन। ये दोहा महाकवि बिहारी का श्रृंगार से संबंधित दोहा है और इस दोहे में बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि नव यौवना मुग्धा नायिका के नेत्र के सौंदर्य को बढ़ाव नेत्रों के सौंदर्य को बढ़ाव को देख करके उनकी सखियां नायिका से कहती हैं कि हे सखी, अब तेरे नयन रूपी योगी कानन यानी वन का सेवन करने लगे हैं, मानो कामदेव रूपी महायोगी के द्वारा संयोग योग क्रियाएं की सब युक्तियां सिखलाए हुए ये तेरे नेत्र प्रिय अद्वैतता अर्थात प्रियतम से अलग होना ही नहीं चाहते हैं। इनकी शोभा पर रीझ कर नायक सदैव तेरे सामने उपस्थित रहेगा। तो इस प्रकार इस दोहे में बिहारी की कल्पना को देखा जा सकता है कि इस प्रकार के दोहों में बिहारी ने संयोग श्रृंगार का एकदम से अच्छा उदाहरण दिया है और नेत्रों को यानी योगी की उपमा देकर के इसको बड़ी ही सुंदरता के साथ में प्रस्तुत किया है। अब इस पाठ्य पुस्तक का मैं आपको चौथा दोहा बताऊंगा, जीने पट में झुलम ली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सप्लमदार। यानी इस दोहे का सरलार्थ यानी बिहारी ने श्रृंगार के अंतर्गत किया है। महाकवि बिहारी कहते हैं कि झीने पट में झुलमली झलपती ऊप अपार, महाकवि बिहारी कहते हैं कि नायिका ने झीने झीने वस्त्र पहन रखे हैं और उन झीने वस्त्रों में से उसका जो सौंदर्य है वो उनके आर पार दिखता है और इनका जो उदाहरण है वो उपमा सिंधु से दी है कि जिस प्रकार में समुद्र में यानी कल्प वृक्ष अपने फूलों पत्तों डालियों सहित उग आया हो, तो इस प्रकार की उपमा बिहारी ने दी है और वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि नायिका ने झीने झीने वस्त्र पहन रखे हैं और उन वस्त्रों में उनका अपार सौंदर्य
प्रभावित हो रहा है। इसी को लेकर के ये बिहारी का श्रृंगार से संबंधित दोहा बड़ा ही प्रसिद्ध है कि जीने पटनी झुलमुली झलकती उपपार, सुरत्रु के मनु सिंधु में लस्ती सपलोडा। सुरत्रु यानी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, और सपलोडार, सपलोडार का मतलब पत्ते और फूलों सहित। जीने पट, पट माने होता है शरीर, झलकती माने झलकता है, ओप अपार यानी उनका सौंदर्य। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको बिहारी के जो दोहे बताए हैं वो दोहे तीन श्रेणी के हैं, भक्ति के, नीति के और श्रृंगार के। तो इन्हीं के माध्यम से कहा जाता है कि बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर बनाया है, और पढ़ने में ऐसे लगते हैं बिहारी के दोहे मानो बहुत ही अच्छे हों। जब एक बार कोई पाठक इनको पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि बिहारी के संयोग से संबंधित संपूर्ण दोहों को एक ही सांस में पढ़ लिया जाए। तो इस प्रकार से बिहारी के 5-6 माने आपको दोहे बताए जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज इतना ही बताऊंगा, और बिहारी के दोहे मैं अगली बार आपको और बताऊंगा। बस इसके लिए आज इतना।